एक दूजे के वास्ते है। अरे वो चेक तो भूल ही गया। वाह 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 मियां, आप तो सचमुच बात के पक्के निकले गोयल साहब। मतलब इतनी जल्दी आपने बाहर से जो टोकन अमाउंट लाकर डील को इतनी जल्दी आगे बढ़ा दिया। अब आप ही बंद करो प्रभु, कैप्टन साहब से बोलकर घर का पोजीशन 7 दिन में दिलवा दो। वो कहा है ना, बाहर की बेटी की शादी है और इसी घर से होनी है। अरे हम तो खुद बड़ी जल्दी में, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सब करवा देंगे। अरे जुमरी दीदी, सबका मुंह मीठा करवा दीजिए, घर की डील फाइनल हो गई है। मतलब घर बिक जाएगा जी? हाँ, तभी तो इतनी भाग दौड़ कर रही है ना? और खबर तो अच्छी है ना? और लीजिए ना। इसे ऐसे अंदर की तरफ घुमाइए। सिस्टर, आप ही स्क्रेप बैंडेज ले आएंगे? जी मैम। तो ये चाहती थी तुम कि तुम्हारे इशारों पर इधर से उधर नाचता रहूं? नहीं, अब क्या नई तकलीफ है आपको कैप्टन मल्होत्रा? तकलीफ मुझे नहीं, आपको है। पहले सेशन करना नहीं था, फिर करना है तो कल करना है, फिर अभी करना है। अपने फेलो ऑफिसर के लिए थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखिए कैप्टन तिवारी। और अगर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट हो ही ना तो? वाह, अगर अपने पेशेंट के लिए भी तुम? मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ एज अ पेशेंट तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती। देखो तुम न... ये लीजिए मैम। थैंक यू। अब प्लीज रिकॉर्ड रूम से जाकर चेक कर लो कि इनकी फाइल का पेपर वर्क कंप्लीट है ना। जी कैप्टन मल्होत्रा, मुझे आपको इधर उधर घुमाने में नहीं बल्कि आपके चोट के हील होने में इंटरेस्ट है। रिकवरी देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि आपको और कितना दर्द हुआ। वैसे अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है तो? अगर मन में बात बैठ जाए ना कि आपको अपने डॉक्टर पर ही भरोसा नहीं है तो दवाई भी कम असर करती है। आपको तो फौरन सीओसर को कह देना चाहिए कि आपको कोई दूसरा डॉक्टर चाहिए। पर मैंने ये कब कहा कि मुझे आप पर एज ए डॉक्टर भरोसा नहीं? खैर, ओवर कॉन्फिडेंस तो तुम्हें पहले से ही था, अब क्लियरली मेडिकल नॉलेज भी आ गई है तो तुम्हें क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चोट कब तक ठीक होगी? एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे किधर हो मियां? मत पूछे यार, कितनी भी कोशिश कर लो बचने की मुसीबत घेर ही लेती है। अरे जो मुसीबत तुमको अभी घेर रही है ना उसको टरकाओ, क्योंकि जो तुम्हारी दूसरी मुसीबत है ना उसको हम निपटा दिए हैं मियां। अरे तुम्हारा ये जो घर है ना उसका टोकन मनी ले लिए हम। अब बताओ कैसा लग रही है? चलो अच्छा है, कम से कम एक मुसीबत तो टली। देखो कह रही है ना, हम पे भरोसा रखो। वैसे घर हमको जल्दी खाली करना पड़ेगा, बस 7 दिन। वो क्या है ना, उनके बेटे का ब्याह है इसीलिए हमको जल्दी करना पड़ेगा। बस 7 दिन? हाँ, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता दो, हम उनको बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा है जितनी जल्दी सब निपटे। वैसे भी बचपन की याद वाला शहर तो ये अब रहा नहीं ना, दम घुटता है यहाँ मेरा। चल रखता हूँ मैं, बाय। वैसे अभी तुमने पूछा था ना कितने दिन में ठीक होगा, ये 1 हफ्ता, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास यहाँ। व्हाट, 1 हफ्ते में तो बहुत बड़ा हफ्ता होगा मेरे लिए।
एक तो केस का फैसला आ जाएगा और मेरा घर भी बिक जाएगा, फाइनली अपने पास से भी छुटकारा मिल जाएगा और हर जख्म भी भर जाएगा। मेरा मतलब मेरा ये घाव भर जाएगा। तो मैं चलूं कैप्टन तिवारी? कैप्टन मल्होत्रा, आपके आर्म को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज कोई भी मूवमेंट इस आर्म से अवॉइड करिए और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि उसकी मोबिलिटी कैसी है। थैंक यू मैम। लगता है आपकी और कैप्टन मल्होत्रा की पुरानी पहचान है। नहीं, वो बातों से लगा ऐसा। आपका ध्यान काम पर होता है कि दूसरों की बातें सुनने पर? सॉरी, प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिए। जी। भाभी जी, आप लोग तो हमको भूल ही गए। दो चार बार पहले इससे घर के बारे में बात हुई थी, पर आप लोग तब से कोई जवाब ही नहीं आया। अब ऐसा लगा हो सकता है आप लोगों का मन ही बदल गया हो। भाई साहब, मन का क्या है, मन तो हालात के साथ बदलते रहते हैं। पहले थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब तो पक्का मन बना लिया है भाई साहब। नहीं, अभी भी पूरी तरह से नहीं। दरअसल हम लोगों ने सुमन से। अरे तो वैसे भी ये बातें कौन सी एक दिन में पक्की हो जाती है। अभी तो मुद्दा छेड़ा है, खरीदार मिलते मिलते वक्त लगेगा। क्यों गोयल साहब? भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तो भाई साहब, जैसे ही आपको कोई अच्छा खरीदार मिले ना, तो फौरन हमें बता दीजिएगा। फौरन लेकर आऊंगा आपके पास, है? आपका काम भी हो जाएगा। पाची, कौन थे और क्या काम हो जाएगा? अरे कोई नहीं थे, बस ये तेरे चाचा के पुराने दोस्त हैं। उन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो मिलने आए थे। वाह, अच्छा बच्चू, दीदू को डराएगा हाँ? तो रुक। सुनिए, अब आप सुमन को कुछ मत कहना। अरे यार बंटी, कितने पकौड़े ढूंढे तूने मेरे घर पे यार। सर, दम लगाओ। दम लगा। सर खींचो, सर सर खींचो, यूं हो जाएगा। बंटी, बंटी, सर, सर, बंटी, बंटी, सर, लेकिन अफसोस, ढूंढे हुए पकौड़े काम नहीं आए और बंटी भाई यहाँ हार गए। अबे जाओ यार, हमको नहीं खेलना तुम्हारा जो गेम शेप। जी ना, चिट्टिंग कर रही हो, चिट्टिंग। आ जाओ बंटी, अब तेरा भाई लड़ेगा। और अचानक माहौल में खलबली मैदान में आ रहे हैं बाहुबली बाजुओं में गजब की ताकत। कैप्टन मल्होत्रा, आपके आर्म को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज उस आर्म से कोई भी मूवमेंट करना अवॉइड कीजिएगा और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि उसकी मोबिलिटी कैसी है। बंटी, तेरा बदला ड्यूरा यार, अगली बार लड़ेंगे, ठीक है? आ जा। और ये हम क्या देख रहे हैं? पहली बार कैप्टन मल्होत्रा फॉरवर्ड मार्च के बजाय रिवर्स मार्च, मैदान में उतरते रहे पीछे। अच्छा, हो गया, हो गया, हो गया, बैठ जा। क्या हो गया? अच्छा वाला चंगा तो था। कुछ नहीं यार, बस वो डॉक्टर ने जरा हाथ का ध्यान रखने को बोला है तो। डॉक्टर ने या डॉक्टर सुमन? हाँ वही, मेरे असाइन डॉक्टर, डॉक्टर सुमन तिवारी। भाई थोड़ा संभल के, आज हम कैंट गए थे तो कुछ खुसुर फुसुर कानों में पड़ी, वहीं से पता चला वो तेरी असाइन डॉक्टर है और तुम दोनों के बारे में। अरे हाँ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर छोटी सी बात का इशू बना लेती है। उसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा मेरे बारे में। छोड़ो ना सर, डोंट माइंड, पर कैप्टन तिवारी नहीं, आप जैसे बात करते हो उसमें है कुछ। सबको दिखता है, ऐसे लगता है कुछ है पुराना। देख यारा, बात सीधी सी है, पीछे कुछ था नहीं था, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होगा अगर तुम लोग नॉर्मल रहो। और जब कुछ है ही नहीं तो बिन बात छत्ते में हाथ क्यों देना, अपने अपने रास्ते चलो ना यार। क्यों भाई बंटे, पहली बार हमारी तरह समझदारी वाली बात की है। क्या बात है, तुम कुछ बताने वाली थी लेकिन जब से आई हो बिल्कुल खामोश हो। Hey, don't get me wrong, हाँ, तुम आई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो actually मिलना भी था और
अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना भी था. एक्चुअली स्कूल टाइम की बात है. ऐसी कौन सी बात है जिसने कैप्टन सुमन को नर्वस कर दिया? कितनी अजीब बात है ना विक्रम, हम जिंदगी में कितना कुछ भूलते रहते हैं, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना हमारे लिए बेहतर है, पर हम उन्हें भूल ही नहीं पाते. देखो सुमन, अगर तुम्हें बताने में मुश्किल हो रही है तो इट्स ओके. नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. अगर हम इस दोस्ती को आगे ले जाने के बारे में, तो तुम्हें पता होना चाहिए. सच सच कहूँ, मुझे आज तक लगता था कि हमारा हमारी दोस्ती इतनी वन साइडेड है कि मैं एक ही हाथ से ताली बजा रहा था. शायद शुरुआत में था वन साइडेड, पर तुम बहुत अच्छे हो विक्रम. और क्या हुआ, लिया क्यों नहीं, किसका था? विक्रम, मैं तुमसे तो अब बात भी नहीं कर. अरे पेशेंट हूँ तुम. वो बस एक पेशेंट बार बार. सो अगर पेशेंट है तो यू कैन टेक द कॉल. क्या पता इमरजेंसी हो. इमरजेंसी है डॉक्टर, तब भी तो कॉल किया. इस पेशेंट की इमरजेंसी बस ये है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और उसका कोई इलाज नहीं है. एक सेकेंड. ओह नो, मैं फिर भूल गया. आप सुनो, एक काम करो, तुम ये कॉल लो, ये बात करो इस पेशेंट से. मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, दो मिनट में. ओके, मैं आता हूँ, कुछ भूल गया हूँ लेके आ रहा हूँ बस. ओके, कोई इमरजेंसी है जो तुम बार बार. अच्छा क्या मेरा फोन उठा लिया, वरना फिर से करना पड़ता. देखो अगर कुछ कहना नहीं है तो मैं. कहना तो बहुत कुछ है, पर अभी जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, और मेरा भी, पहले हम उससे चेंज कर, ठीक है? प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर नहीं है श्रवण, एटीट्यूड देखा है तुमने अपना, वो किसी के लिए नहीं चेंज हो सकता. ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बदल रहा हूं, अपने लिए. तुम तो जानती हो लोगों की इन छोटी सोच को. कुछ भी सोचते हैं, बात करते हैं, लोगों को जज करते हैं. तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हें मेरे साथ. एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना कि लड़कियां थोड़ी जेलस होती हैं. तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी चांस. प्रोस्पेक्ट खराब हो. तो जरा नॉर्मल रहो एक दूसरे के साथ. और सुनो, अपने पास्ट के बारे में हम किसी से बात नहीं करें, किसी से भी नहीं. उस पास का ढिंढोरा पीटने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता. अगर तुम कुछ ज्यादा ही सोचो ना श्रवण, तो एक खुद को समझाओ, मुझे नहीं. तो ठीक है, आज के बाद मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करेंगे दूसरे के साथ. बिल्कुल, पर जब उन दो लोगों में से सिर्फ एक इंसान मैच्योर हो, तो वो दूसरे इमैच्योर इंसान से कैसे बिहेव करे. हाँ खैर, देखते हैं. मैं मैच्योर. काफी सरकास्टिक हो गई हो तुम. देखो श्रवण, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मेरे प्रोस्पेक्ट्स खराब ना हो, इसलिए प्लीज आज के बाद ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो. पर हेलो, हाउ डेयर ही से दैट मेरी वजह से उसके प्रोस्पेक्ट्स खराब होंगे. हाय, ये तुम्हारे लिए. पता है, मैंने जैसे से शॉप में देखा ना, तो बस मुझे तुम्हारा ही ख्याल है. अगर श्रवण इस पास्ट को लेके नहीं बैठा है, तो मैं क्यों इस पास्ट को इतनी इंपॉर्टेंस दूं?
मैं दोबारा उस दर्द को क्यों जीऊं? और विक्रम कितने अच्छे इंसान हैं, इनके साथ अगर मैं आगे बढ़ सकती हूं तो पीछे मुड़कर क्यों देखूं? क्या हुआ, कहां चली गई? कुछ नहीं, वो बस सोच रही थी कि इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू, पर कुछ नहीं। तुम ना सुमन, बस सोचा मत करो ज्यादा। और हाँ, तुम कुछ बता रही थी अपना वो स्कूल टाइम के बारे में कुछ, है ना? टेल मी अबाउट इट। वो एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में ना मैं घर से भाग गई थी। वाओ, रियली? फिर क्या हुआ? वो मेरा पूल खेलने का बहुत मन था और अगर घर पे पूछती तो कोई अलाउ ही नहीं करता, तो मैं घर से चुपके से भाग गई रात को। पर वहाँ पे गेम शुरू होने से पहले ना लड़ाई शुरू हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। फिर क्या हुआ? पता है, अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? स्कूल से तो निकाल ही जाती, पर शायद मम्मा पापा ना घर से भी निकाल देते। ये बात पहले मैंने किसी को नहीं बताई। क्या हुआ सुमन? यार तुम बहुत क्यूट हो यार, and I can't believe मैं एक आर्मी ऑफिसर को बोल रहा हूँ कि क्यूट हो, लेकिन तुम तो हो ही। पता है, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना, इतना श्योर हूँ कि वो झगड़ा ना शायद तुमने सॉल्व किया हो, लेकिन स्टार्ट तुमने बिल्कुल नहीं किया होगा, किसी दोस्त ने किया होगा, राइट? अचानक मुझे कहां से याद? श्रवण, एक कॉल ने मेरा दिमाग। hey, कौन था वो दोस्त? कोई नहीं था, शायद तुम मुझे अभी अच्छे से नहीं जानते, वो मैं ही थी। थैंक यू फॉर द डिनर एंड द गिफ्ट, अब मैं निकलती हूँ, बाय। ओके, बाय, गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.